रामनवमी के दिन देश के कई शहरों में खूब बवाल हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, पथराव हुआ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से लेकर गुजरात के वडोदरा तक और फिर शाम होते होते पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आगजनी हुई। और आपको बता दें कि रामनवमी की शोभा यात्रा या जुलूस पर पथराव करना अब एक परंपरा सी हो गई है। हर साल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अगली रामनवमी जब होगी तो देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा होगा, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका होगा, तो क्या यह मौजूदा तनाव 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है? पूरी रिपोर्ट इस आप स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। राम नवमी के जुलूस पर वडोदरा में पथराव किसने किया? राम नवमी से ठीक पहले औरंगाबाद में दंगा भड़काने की साजिश किसने रची? राम नवमी के दिन दिल्ली में तनाव फैलाने की कोशिश किसने की? राम नवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा को किसने जलाया? देश भर में राम भक्त राम नवमी के उत्सव में व्यस्त हैं। बड़े बड़े जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब कुछ रास नहीं आ रहा। कुछ इंसानियत के दुश्मन ऐसे भी हैं जो राम नवमी पर राम भक्तों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। यह गुजरात के वडोदरा शहर की तस्वीरें हैं। रामनवमी पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहे थे। राम भक्त अपने अपने वाहनों पर भगवा ध्वज लहराते हुए जा रहे थे। तभी शहर के फतेहपुरा पांचीगढ़ मोहल्ले में अचानक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। जैसे ही यात्रा एक मस्जिद के बाहर पहुंची, तुरंत राम भक्तों को निशाना बनाए जाने लगा। बहुत भारी मात्रा में पत्थर फेंके जा रहे थे। तुरंत पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। बहुत सी बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सड़क पर हर तरफ ईंट और पत्थर बिखरे हुए थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आसपास के लोगों को अपने अपने घरों में वापस भेजा और शोभा यात्रा को आगे की तरफ रवाना किया। तनाव अभी भी बना हुआ है। बवाल इस तरह से शुरू हुई कि एक दरगाह के पास से जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी, इस तरफ उसे आगे जाना था, तब लाउडस्पीकर को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई और जिसके बाद तुरंत पथराव हो गया। लेकिन पुलिस क्योंकि मौके पर थी, इसलिए सिचुएशन तुरंत कंट्रोल में आ गई। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियों के यहाँ पर कांच भी टूट गए। करीब 5 से 6 गाड़ी बताई जा रही हैं जिनके कांच इस पथराव और इस भिड़ंत में टूट गए। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। पुलिस की टीम अभी भी इलाके में कैंप कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि माहौल अभी नियंत्रण में है, लेकिन बाजार अभी भी बंद है। रामनवमी के साथ साथ रमजान का भी महीना चल रहा है।
इसीलिए कल पहले ही वडोदरा पुलिस ने दोनों समुदायों के नेताओं के साथ शांति समिति की बैठक भी आयोजित की थी, लेकिन इसके बावजूद आज शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। अब वडोदरा पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। वडोदरा शहर में हरणी पुलिस स्टेशन से शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें हरणी पुलिस की टीम उसके साथ ही थी। सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में आने के बाद सिटी पीआई के साथ उनका स्टाफ भी उसमें जुड़ गया और पूरी सिक्योरिटी के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। पांजीगर मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली, उसके बाद वहाँ पे दो ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुँच के पूरी स्थिति काबू में की थी, सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है, पुलिस वहाँ कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई है, पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है और अभी कंटिन्यूस पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है। सिटी में जितनी भी शोभा यात्रा निकली सभी के साथ पुलिस का एक एक टीम रहने वाली है। रोड बंदोबस्त भी लगाया गया है, SRP DCB की टीम लगी हुई है, डीप पॉइंट है, ड्रोन के साथ वॉच रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर वॉच रखी जा रही है, तो पूरा बंदोबस्त बहुत ही अच्छे तरीके से वडोदरा शहर पुलिस के साथ किया जा रहा है। लोगों से इतनी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए। इधर कल आधी रात को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी दंगा हो गया। संभाजी नगर का पुराना नाम औरंगाबाद है। इस दंगे का सबसे ताजा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दंगाई साफ साफ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है जिस पर दंगाई पत्थर मार रहे हैं और उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखिए, एक गाड़ी को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दंगाइयों की पूरी भीड़ दिख रही है। खबरों के मुताबिक संभाजी नगर के किराड़पुरा इलाके में कुछ नारे लगाने को लेकर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट के बाद हालात तनावपूर्ण हुए, जिसके बाद पहले पथराव हुआ और फिर पुलिस सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई। तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ये पूरा हंगामा राम मंदिर के बाहर हुआ था। मामला बहुत सेंसिटिव था, इसीलिए तुरंत मौके पर ओवैसी की पार्टी के स्थानीय सांसद भी पहुंच गए। वीडियो में हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आज देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है, यकीनन दो बड़े त्योहार है। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये दोनों त्योहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू भाई रामनवमी मना रहे हैं तो रमजान हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे इस मुबारक महीने को खराब मत करिएगा। उसमें चंद नौजवानों लोगों के जोश की वजह से जो हरकतें वो कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और किसी भी तरीके से शहर में अमन बरकरार। बाहर जब ये विवाद चल रहा था तो औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करके लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दंगा और ज्यादा न फैले, लेकिन उपद्रवी शांत नहीं हो रहे थे। वो लगातार पुलिस को और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। दर्जनों की संख्या में वाहन जला दिए गए, जमकर तोड़फोड़ की गई। अब औरंगाबाद के सांसद कह रहे हैं कि यह पूरा झगड़ा नशेड़ियों के बीच हुआ, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। इस वक्त हमें संभाजी नगर के किराड़पुरा राम मंदिर के बाहर देर रात को इसी जगह पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहां पर हर रोज की तरह जो है मंदिर रात 12 बजे के दरमियान बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी दौरान रात करीब 11:30 के दरमियान दो अलग अलग समुदाय के युवाओं में मामूली बात पर कहा सुनी पल भर में झगड़े में तब्दील हो गई, मारपीट हुई, किसी तरह से दोनों गुटों को अलग कराया गया। मामला उस समय शांत हो गया था, लेकिन करीब एक घंटे बाद एक पक्ष अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर इसी जगह पर पहुंचा। चूंकि ये पूरा इलाका संवेदनशील है, इसलिए उस दरमियान पहले से ही यहां पर
पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उपद्रवियों दंगाइयों की भीड़ तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उनके सामने बेबस नजर आए। इलाके में तनाव फैला हुआ है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल यह है कि रामनवमी से ठीक पहले ही यह दंगा क्यों हुआ? औरंगाबाद को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या दंगे की कोई बहुत बड़ी साजिश थी? पुलिस इन सवालों का जवाब खोज रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंदिर के पास नशेड़ियों ने उपद्रव मचाया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। आज देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तब यहाँ पूरी शांतता है, और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं। जिस संभाजीनगर में कल ये पूरा हंगामा हुआ था, आज वहां के लोगों ने पूरे शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश भी हुई। संभाजीनगर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में नोट करने वाली बात यह है कि हर साल की परंपरा की तरह इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंदू लोगों के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो है हर बार रामनवमी में दिखाई देती है, और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से तमाम हिंदू मुस्लिम भाई जो है वो साथ में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पे शामिल होते हैं हर साल रामनवमी? अरे मेरे भाई, ये कम से कम 100 साल से आगे अधिक, हाँ जब से 100 साल से अधिक हो गया ये न्यून लोग निकलती अपने राम मंदिर से लेके तो पूरे एरिया में घूमती, तो उस टाइम से जब से स्टार्ट हुआ जब से आज तक किराड़पुरे का मुसलमान, औरंगाबाद का मुसलमान ये इसमें सहभाग होता, हम सब साथ में रह के काम करते हैं। कल जिस तरह का रात का वाकया हुआ है, जो तनाव देखा गया है, क्या उसका असर आज जब यात्रा निकल रही तो कुछ नजर आ रहा है? कोई असर नहीं, कोई यात्रा नहीं। राम जी सबके, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे ब्रह्मांड के, अकेले के, इनके नहीं यार, मेरे नहीं, सबके, इसके लिए ये व्यवस्थाओं में सब होना जरूरी है। ये भाईचारा हमारा पहले से चले आ रहा है, बंधु जी ने बोला है 350 वर्षों से यहाँ मंदिर है, मंदिर को कोई परेशानी आज तक हुई नहीं है। कल के वारी के बारे में आप घड़ी घड़ी ये बोल रहे हैं, तो यहाँ के कुछ जिनके दिमाग खराब थे ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, यहाँ के लोगों ने नहीं किया है? वो अगर वो करते थे यहाँ मेरे साथ में सारे लोग होते भी नहीं थे। इसलिए हमारे पारिवारिक संबंध पहले से आगे और आगे भी रहेगा। इसके बारे में कोई कितने भी आप हमारे से प्रश्न पूछते या उसका उत्तर एक ही मिलेगा, हम सब एक हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।